चैत्र रामनवमी पर भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए आने वाली संभावित लाखों को देखते हुए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने श्रद्धालुओं से अपील किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी में अपने घरों पर पूजा अर्चना करें और रामनवमी के बाद समय प्रकार अयोध्या धाम दर्शन के लिए पधारें, क्योंकि अगर अप्रत्याशित बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ जाएंगे तो यह स्वाभाविक है यहां की कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए रामनवमी की बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे वो शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर रामलला के सूर्य अभिषेक की तैयारी चल रही है, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। भगवान रामलला के मस्तक पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। बता दें कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। 17 अप्रैल को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आपने सही कहा कि इस बार की जो रामनवमी है वो काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया है, तो आम जनता के उसमें काफ़ी जिज्ञासा है कि उस हिसाब से भीड़ अधिक बढ़ेगी। इस बार जो पूर्व में रामनवमी रही है उससे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। उसी के अनुरूप माननीय परिवहन मंत्री के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने एक ब्रॉड लेवल पर बसों की व्यवस्था करने की सोच रखी है, ताकि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई असुविधा न होने पाए। हम लोगों ने अस्थाई बस स्टेशन भी बनाने का प्लान किया है, जो साकेत पुल के नीचे बनेगा। उसमें 2400 घंटे हमने अपने कर्मचारियों की तैनाती की है, ताकि समय रहते बसों की व्यवस्था वहाँ पर की जा सके। 30 बसों की अभी हमने व्यवस्था की है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग और भी बसों की व्यवस्था। किस रोड पर है? हमारी बहराइच है, गोंडा है, बस्ती है, गोरखपुर है, अकबरपुर है, और ये आपका लखनऊ वाला रूट है। मुख्य रूप से इन सभी रूटों में हमने व्यवस्था कर रखी है। नहीं रहेगा पूर्वज जो हम लोग पहले से ले रहे थे वही किराया लेंगे। तैयारी की जा रही है। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफी चर्चा की, संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा, और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। लेकिन कानून व्यवस्था से संबंधित आयुक्त, जिलाधिकारी, आईजी पुलिस, एसएसपी सभी पूरी तरीके से, पूरे मन से, निष्ठा से, इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य है कि रामनवमी की जो चुनौती है वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो और श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से आएंगे उनको दर्शन हो। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन